हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी आई क्यू अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए मैं फिजिक्स का पार्ट लेके आया हूँ सीबीटी 2 के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है जिन्होंने भी ट्रेड फिजिक्स और मैथ चॉइस की है उनके लिए। और मैंने करंट अफेयर्स का वीडियो चला रखा है, डेली करंट अफेयर्स, वो सभी के लिए एग्जामों के लिए, गवर्नमेंट एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, तो उस वीडियो को भी जाके जरूर देखें आप। तो सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है मैंने। ये क्या है? काइनेमेटिक्स, तो हिंदी में भी क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बल एवं गति के नियम। ग्रेविटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। साउंड, ध्वनि, यह आपके लिए यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, और बेसिक साइंस जो वो पार्ट होगा उसमें भी इम्पोर्टेंट है ये सारे टॉपिक। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका क्या हो जाएगा? विद्युत। हीटिंग एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो विद्युत का ताप प्रभाव। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। डिस्प्रेशन लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। द ह्यूमन आई, मानव आँख। सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। सन एंड न्यूक्लियर एनर्जी, सूर्य और परमाणु ऊर्जा। यूनिट एंड डायमेंशन, इकाइयों एवं विमाएं। यूनिट भी देखनी है आपको, जैसे वेग की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, आपने देखा होगा। तो ऐसे देखने, त्वरण की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आगे चलते हैं, इस सिलेबस अपन ने डिस्कशन कर लिया, तो इस सिलेबस को देख लो, इस सिलेबस के हिसाब से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इस सिलेबस से तो ये वीडियो पसंद आएगी तो आपको लाइक करना है, अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करना है, व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट हैं उन सभी पर। तो आपको मैं बताता हूँ, आवेश, पहले आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज। तो आवेश क्या होता है? आवेश वो चीज़ होती है, पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ पर विद्युत बल का अनुभव करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर क्या बोलते हैं? बल का अनुभव करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? आवेश, चार्ज बोलते हैं उसे। जैसे आप देख लो M1 और M2, इनके बीच में दूरी क्या है? R। तो आपने देखा होगा इसके बीच में एक बल लगता है, फोर्स लगता है, तो उसको किस क्या लिखते हैं? G M1 into M2 बटा R2। ये भी पूछ लिया जाता है कभी, तो ये भी ध्यान रखना है। पर अपन इससे समझने की बात नहीं कर रहे, अपन इससे कुछ और समझने की बात करते हैं आवेश की। तो मान लो M1 पर क्या लगेगा? Q1 आवेश लगेगा, और M2 पर लगेगा Q2 आवेश। तो इसमें क्या हो जाएगा? M की जगह केवल Q1 Q2 आ जाएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R2। तो ये आपको ध्यान रखना है। कूलाम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से रिप्रेजेंट। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है SI मात्रक। और आपको मैं और चीज़ बता देता हूँ, एटम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? एटम को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु। तो एटम है ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है। नाभिक, जो इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? दोनों को मिला करके न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है। और इलेक्ट्रॉन इन दोनों के साथ चारों तरफ क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। तो ये आपको पता रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। आपको मैं बता देता हूँ आवेश और द्रव्यमान क्या क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के। तो ये आपको पता रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है आपसे। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होता है। और प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? 1.60×10⁻¹⁹ कूलाम। इनमें डिफरेंस क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव आवेश होता है, चार्ज होता है नेगेटिव, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? न्यूट्रॉन में उदासीन मतलब जीरो होता है, शून्य होता है, यहाँ पर आवेश कोई आवेश नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1×10⁻³¹ किलोग्राम इसका आवेश द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का। और प्रोटॉन का आवेश कितना, द्रव्यमान कितना होता है? 1.67×10⁻²⁷ किलोग्राम। तो ये आपको ध्यान रखना है। और
न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है द्रव्यमान सेम होता है, ये आपको पता रखना है, ये अच्छी ट्रिक है। और इन दोनों का आवेश सेम होता है, केवल चिन्ह का डिफरेंस रहता है इन दोनों में। तो चलते हैं अगले आगे। तो क्या है मान लो आपको करंट, करंट क्या होती है ये आपको ध्यान रखना है। करंट, करंट को हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी पता चल सके कि स्टडी आई क्यू अकेडमी में फिजिक्स और करंट अफेयर्स की वीडियो पढ़ाए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो करंट विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा, रेट ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, करंट। तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन T हो जाएगा, आवेश अपॉन टाइम समय। तो T को किस में लेते हैं, सेकंड में लेते। मान लो T को 1 सेकंड ले लिया अपन ने, मतलब 1 यूनिट ले लिया टाइम को, तो I बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। तो ये I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q यूनिट टाइम ले लिया, तो मतलब 1 सेकंड मान लो, तो क्या हो जाएगा, आवेश करंट और चार्ज समान हो जाएगा। ऐसा परिपथ होता है इसका करंट का। ले ये बैटरी है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, तो सी क्यू कम ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम, और टी की सेकंड। तो इसको कूलाम पर सेकंड भी लिख सकते हो आप इसकी यूनिट करंट की, या फिर इसका एक यूनिट और अलग से निकाल रखिए तो उसको क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो ये एम्पियर हो गया। करंट क्या होती है, करंट राशि कौन सी होती है, मतलब जैसे सदिश अदिश होती है ना, तो वैसे कौन सी होती है, तो करंट या अदिश राशि होती है, या आपके ब्रैकेट वहाँ वो चार ऑप्शनों में टेंसर दिया हो, टेंसर, तो टेंसर आपको लगाना है पहले, और टेंसर नहीं दे रखा हो तो अदिश राशि लगाना है। क्योंकि इंजीनियरिंग में जब आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे या आपने आईटीआई की मतलब पॉलिटेक्निक वगैरह की होगी, तो वहाँ पर टेंसर यूज ही लिया जाता है, टेंसर बताया जाता है। तो क्यू बराबर क्या होता है ये भी आपको पता रखना है, नंबर ऑफ नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया। मान लो आपसे इसमें बोले ये, जिसलिए मैं आपको समझा देता हूँ ये सदिश क्यों नहीं होती, आप बोलो सदिश क्यों नहीं होती। ये देखो ये इसमें ऐसा है, तो ये भी देख लेना इसमें कितनी आ रही है करंट इसमें, ये भी आपको बोले बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। आगे चलते हैं, ये कोई आपके काम का नहीं है। आगे क्या है आप लिए क्वेश्चन बता देता, क्वेश्चन दे रखा है मान लो 4 माइक्रो आवेश 8 मिनट तक किसी धातु के तार में स्थिर अवस्था में रहता है, विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। कोई 4 माइक्रो आवेश का कूलाम आवेश का 8 मिनट तक किसी धातु के तार में स्थिर अवस्था में रहता है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, वो स्थिर रहता है, तो स्थिर रहेगा तो कोई प्रवाह तो कर नहीं रहा, मतलब चल तो नहीं रहा, तो उसका क्या हो जाएगा, शून्य। तो राइट आंसर देगा शून्य। बहुत बच्चे क्या करेंगे इसको 4 × 4/8 ऐसे कर देंगे 10⁻⁶, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 0। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको पता रखना है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। जब किसी तार के बीच में कोई बाधा आ जाती है, क्या कुछ ही अपन आवेश प्रवाह कर रहे हैं तो उसमें बीच में कोई रुकावट आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोला जाता है। करंट, करंट का इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ऐसा होता है, ऐसा आपने देखा होगा, ये सिंबल होता है आपने 11th 12th में देखा होगा, तो ऐसा सिंबल होता है इसका रेजिस्टेंस का। मात्रक क्या होता है, ओम, इसको इसको क्या बोलते हैं, रो भी बोला जाता है, ओम, इसी चिन्ह को क्या बोलते हैं, ओम, इसका प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम यूनिट। आगे चलते, आगे क्या है, ओम नियम, ओम्स लॉ, आपको मैं बताता हूँ ओम्स लॉ क्या होता है। पहले ओम्स लॉ पढ़ने से पहले कुछ आपको मैं और बता देता हूँ। मान लो केस फर्स्ट, केस टू, केस थ्री, आपको ले दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस आवेश दे रखा है, और 100 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, ये कोई अलग अलग 10 डिग्री या सॉरी ये अलग अलग कोई मतलब मान लो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट, मान लो कुछ भी मान लो अलग अलग पानी मान लो,
तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रवाह किसमें, मतलब आदान प्रदान किसमें होगा ये आपको बताना है। तो किसमें होगा जल्दी से बताओ कमेंट करके। तो इसमें होगा जिसमें ज़्यादा डिफरेंस होता है ना, ये डेल्टा टी का। डेल्टा टी का मतलब क्या है, डिफरेंस। ये ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसमें आदान प्रदान ज़्यादा होगा ऊर्जा का। तो किसमें सबसे ज़्यादा, इसमें। नब्बे 90 हो गया तो सबसे ज़्यादा इसमें होगा, और सबसे कम किसमें 100 माइनस 100 हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें थोड़ा कम होगा पर इसमें बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और इसमें सबसे ज़्यादा। तो ये आपको पता रखना है, क्यू इजिकल टू क्या होता है, एम सी डेल्टा क्यू, एम सी डेल्टा क्यू ये होता है, ये आपको पता रखना है। क्यू इजिकल टू होता है एम सी डेल्टा टी, तो ये आपको पता रखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ओम लॉ क्या होता है, आई प्रोपोर्शनल वी, तो आई प्रोपोर्शनल वी होता है, ये आपको पता रखना है। तो बहुत सारे क्या लिख देते हैं कोई टीचर, वी प्रोपोर्शनल आई, तो ये क्या हो जाता है, गलत। तो आपको ये याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है आई प्रोपोर्शनल आर वी, आई प्रोपोर्शनल वी ये होता है। इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं तो क्या आ जाता है, इसको समीकरण वन मान लेते हैं। इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं तो क्या आता है, वन अपॉन आर वी ये आ जाता है। फिर वी की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, ये आर को इधर भेज देते हैं, तो वी बराबर क्या हो जाता है, आई आर, वी बराबर आई आर आ गया। तो आर की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, इस आई को इधर भेज देंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई ये हो जाता है। तो वी की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट, एक आई की क्या हो जाएगी, एम्पियर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट अपॉन वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, या फिर इसको डायरेक्ट लिखते हैं ओम, ये आपको ध्यान रखना है। चलते आगे, आगे क्या है, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन क्या है, मान लो आपके लिए वोल्टेज दे रखा है 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट दे रखा है। करंट क्या दे रखी है, 2 माइक्रो एम्पियर, करंट दे रखी है 2 माइक्रो एम्पियर। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, वी बराबर क्या होता है, ए आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई। तो वी की वैल्यू क्या दे रही, 2 रख दी, आई वन की, इसकी वैल्यू आई की वैल्यू क्या रख दी, 1, यहाँ माइक्रो है, 10 की पावर -6 ये हो गया, 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस में हो जाएगा, तो 2 × 10 की पावर 6 ओम इसका राइट आंसर आ जाएगा, तो ये आपको पता रखना है। चलते हो आगे, क्या दे रखा है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध की निर्भरता, मतलब प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर निर्भर करता है, उसकी लेंथ पर निर्भर करता है। ये अनुप्रस्थ काट है, इस पर क्या करेंगे, ये निर्भर करता है, और इसकी लेंथ पर भी निर्भर करता है, जितनी लेंथ होगी उतना क्या होगा, ये सब उस पर निर्भर करता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में, तो आर प्रोपोर्शनल क्या होता है, एल, जितना आर बढ़ेगा रेजिस्टेंस, जितना लंबाई आप जितनी खींचोगे उतना ही क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका ये होता है अनुक्रमानुपाती, आर प्रपोज आर रेसिप्रोकल 1/RA, तो ये आपको याद रखना है। इन दोनों को मिला देंगे, दोनों समीकरणों को, तो क्या बनेगा वो आप देखो, इन दोनों को मिला दिया तो क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, फिर इसको रो प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे तो क्या जाएगा, एक रो, इसके स्थान पर एक रो, तो इसको क्या बोलते हैं, रो को प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है इस रो को। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको यह पता रखना है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, फिर रो को इन सब को इधर भेज देंगे, यहाँ रो रखेंगे तो रो बराबर क्या हो गया, आर ए अपॉन एल हो गया। तो ये आपके लिए आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किस टॉपिक लेके आया था मैं, तो इसके बाद मैं आपको अगली क्लास में बताने वाला हूँ, तो उस क्लास में भी ज़रूर आ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए इसको।